सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है, जो शवीशनाक है पूरी पीटीआई के लिए, पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए, जो खान साहब से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही, उनकी फैमिली को, उनके वकला को, हम खान साहब की सेहत के बारे में, उनकी सलामती के बारे में हम बहुत ज़्यादा कंसर्न है। आज खान साहब की बहनों ने जो रिट पिटिशन की है, हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये तवक्को करते हैं कि आज ही ऑर्डर किया जाएगा कि खान साहब की बहनें, खान साहब के वकला को और ह्यूमन राइट्स कमीशन को, प्लस ये जितनी भी हमारी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, उनके प्रॉपर कमीशन बनाए जाएं और खान साहब से मुलाकात कराई जाए, ताकि पाकिस्तानी कौम जो अपने महबूब लीडर, अपने कायद, अपने मुंतखब वज़ीर आज़म की सेहत सलामती के लिए परेशान है, उन्हें ये पता चले कि खान साहब बिल्कुल तंदरुस्त तवाना हैं। क्योंकि हमें ये, हम इस हकूमत के ऊपर, हम ये जो कठपुतलियाँ मुसलत हैं इस मुल्क के ऊपर, हमें अपने लीडर के लिए उन पर एक रत्ती बराबर भी ट्रस्ट नहीं है। क्योंकि मैं इन्हें ये बता रही हूँ कि अगर ये मुलाकात का कोई इंतज़ाम नहीं करेंगे तो फिर पाकिस्तानी कौम जो है वो अडयाला का रुख करेगी और फिर हमें वहाँ धरने की कॉल देनी पड़ेगी। तो उससे बेहतर है कि यह आज हाईकोर्ट के ऑर्डर्स पर अरीन आपा को प्लस हमारे वकला को खान साहब से मिलने दें और खान साहब की सेहत के बारे में, उनकी सलामती के बारे में जो हमारे खदशात हैं उनको दूर किया जाए। डॉक्टर फैसल और डॉक्टर आसिम की सरबराई में एक बोर्ड बनाया जाए जो खान साहब का चेकअप करे।